बहुत साल पहले जब मैं स्टूडेंट थी तो मैं भी आपकी तरह यहाँ बैठी हुआ करती थी, और बड़ा ही मुश्किल होता था कि यार हमें सेमिनार अटेंड करना है। तो आज का जो सेमिनार है, वैसे तो आपके प्रोफेसर ने माशाल्लाह काफ़ी बातें कर दी हैं और उसी में सारा सवाल भी हैं और सारे जवाब भी हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगी कि हम लोग सारी बातें छोड़ देते हैं, हम सब जो हैं वो हीरोज़ हैं, ठीक है ना। अब मैं देख रही थी कई बच्चे अपनी वीडियोस भी बना रहे थे, कई पिक्चर्स भी बना रहे थे और फेसबुक पे भी लगाते हैं, मिलते हैं, हमें लाइफ में बड़ा मज़ा आता है। चाहे हम अच्छे लग रहे हो या ना लग रहे हो, सारे कहते हैं कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं आप, ऐसे ही होता है ना। अच्छा, तो चाहे जाने का जो जोम है ना, वो हम में है कि हम चाहे जाएं, पहचाने जाएं, माने जाएं, और ये जो जोम है कई दफ़ा हमें मरवा देता है और कई दफ़ा जब हम आजी में चले जाते हैं तो हमें तार देता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी, करेक्टर बिल्डिंग पर बात करना बहुत आसान है, लेकिन आज हम सब सिर्फ ये सोचते हैं कि क्या हम वाकई ये अल्फाज बोलते हैं या प्रैक्टिकल का पार्ट भी है, या सिर्फ ये बातें हैं। चाहे मैं मुश्किल मुश्किल बातें यहाँ करके चली जाऊँ और कहूँ कि मेरा तो बहुत ही अच्छा सेमिनार हुआ है और आप कहेंगे हाँ अच्छा हुआ था, लेकिन बात दिल को लगी ही नहीं, मज़ा ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि अगर मेरा अपना वो सेल्फ प्रैक्टिकल नहीं होगा तो फिर मैं आप लोगों को उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकूँगी। सेल्फलेसनेस की भी बात हो रही थी और सेल्फिशनेस की बात हो रही थी, तो अगर हम अपने आप को सोचें तो हम कितनी बार सेल्फलेस होते हैं, यहाँ तक कि अगर हमें पता चले कि यहाँ पे अपना फ़ायदा छोड़ना है तो क्या हम छोड़ते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हमारे लिए अच्छा वो है, हमारे लिए अच्छे की डेफिनेशन कुछ और है। डेफिनेशन ये है कि जो हमारे काम आता है वो अच्छा है, जो हमारे काम नहीं आया वो अच्छा ही नहीं है। अब ये कौन सी डेफिनेशन है? ये सेल्फिशनेस है और कुछ नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को पहचानें, अपने आप से प्यार करें। हम लोग अपने आप से प्यार नहीं कर रहे, अपनी पहचान का सफ़र ही नहीं शुरू हुआ। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इकरा, पढ़, तो हमने कभी अपने आप को पढ़ा है? अपने आप को इम्पोर्टेंस हम चाहते हैं कि हमें इम्पोर्टेंस दी जाए, चाहते हैं, लेकिन हम अपने आप को सबसे ज़्यादा इग्नोर कर रहे होते हैं। सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाने वाला इंसान हम खुद हैं, अपने आप को टाइम ही नहीं दिया। अगर मैं पूछूं आपका नाम क्या है? नुमान। तो अगर मैं पूछूं कि नुमान ताहिर है कौन, तो नुमान ताहिर ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप के बारे में ये बता देंगे कि मैं एक लड़का हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, मेरे इतने बहन भाई हैं, सारा कुछ अच्छी बात है, मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है। लेकिन इससे ज़्यादा आपने कभी अपने आप को टाइम दिए? हम सब ने नहीं दिया। हमने अपने डे वन से अपने आप को पढ़ा ही नहीं, हम पाकी तक के मोहताज रहे हैं और अल्लाह की एक कलम लगी और हमें पाकी मिल गई, और हम जब इस दुनिया में आए तो हमें सब चूम रहे हैं, ये हम पे है, ये हम पे है। तो क्या हम उस पहचान को लेके चल रहे हैं? दो ही रोल है, एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अल्लाह या फिर शैतान, ठीक है ना। लेकिन हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन है, अपने आप से करें। मैं कहूँगी तो मैं कहूँगी कि जी जैसे भी प्रोफेसर साहब बात कर रहे थे कि हम दूसरे की गलती को तो बहुत हाईलाइट करते हैं, क्योंकि मैं खुद एक कंपनी में जॉब करती हूँ, वहाँ पे अगर किसी और की गलती मिल जाए तो तौबा, इतना मज़ा आता है कि बस बताते हैं, बल्कि पूरी कंपनी में बात फैल जाती है कि इससे गलती हो गई है, ब्लंडर हुआ है, ब्लंडर, ठीक है। लेकिन अगर खुद हो गई है तो पता ही नहीं चलने देते कि हुई है। कई लोग तो छुपा लेते हैं, कई लोग दूसरों पर डाल देते हैं, बल्कि कई दफ़ा फ़ोन आ रहा था, यार तुमने ये क्यों नहीं किया, तो यार आपने बताया नहीं। अच्छा चलो, मैंने नहीं बताया, लेकिन तुम्हें तो पता होना चाहिए था ना ये क्या था। लेकिन असल में बात सिर्फ इतनी सी है कि पॉजिटिविटी और अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करना। अभी हम बात कर रहे थे कि जब मैं थेरेपी करवा रही होती हूँ या सूरह रहमान का हम लोग बता रहे होते हैं, तो एक दफ़ा एक बंदी ने मुझे कहा कि आपकी बातें बहुत अच्छी हैं पर ये प्रैक्टिकल नहीं है। मैंने क्या मतलब प्रैक्टिकल नहीं है? पॉजिटिविटी, अनकंडीशनल लव, प्यार, मोहब्बत, क्या ये प्रैक्टिकल नहीं है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बुकिश बातें हैं। मैंने कहा जी सरकार ने करके दिखा दिया है,
तो मैंने कहा जी वो सरकार है, लेकिन जो टीचर होता है वो हमेशा आपको करके दिखा रहा होता है, आपके लेवल पे आके आपको बता रहा होता है कि यार ये यूं कर लोगे ना तो कर्म हो जाएगा, फजल हो जाएगा। हम लोग कितनी, हम लोग ह्यूमैनिटी वाली जो वीडियोस होती हैं, पिक्चर्स होती हैं, हम उस पर इतनी ज़बरदस्त किस्म की कैप्शंस देते हैं और हम कहते हैं कि ये जो है ना ह्यूमैनिटी बहुत ज़रूरी है, आप लोग दूसरों का एहसास करें, प्यार करें, बेवर्स होके करें, लेकिन हमने कितना किया है। आपकी ज़िंदगी के माशाल्लाह इतने साल गुजर गए हैं, क्या आपने कभी किसी गिरे हुए को उठाया? कभी देखो अच्छे से तो हर कोई प्यार कर लेता है, साफ सुथरे से भी हर कोई प्यार कर लेता है, लेकिन किसी गिरे हुए को उठाना ही असल में पॉजिटिविटी है, करेक्टर बिल्डिंग है। आप किसी गिरे हुए को उठाते हो ना तो उठकर वो सबसे पहले आपको देखेगा ज़रूर और सोचेगा यार ये कौन है, ठीक है, और उसको कौन याद आएगा? सरकार याद आएंगे, अल्लाह याद आएगा। तो आपका प्रैक्टिकल जो है वो खुद एक सल्यूट बन जाएगा, एक थैंक यू बन जाएगा, एक खुद एक आप समझ लें इसको एक आप तस्बीह का गाना बन जाएंगे जो कि हर वक्त का थैंक यू अल्लाह मियां होगा। लेकिन क्या हम वाकई ऐसा कर रहे हैं? मैं कह तो रही हूँ कि अल्लाह है, बल्कि अगर मुझे, मैंने नोट किया कि अगर हमें डिबेट करनी पड़ जाए तो अपना अल्लाह मनवाने के लिए हम बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डिबेट्स कर सकते हैं। मैं कहूँगी कि जी चैप्टर नंबर दिस और फलाना नंबर दिस के मुताबिक ये बात है, कोई मेरे से आर्गुमेंट्स में जा रहे हैं, बहस हो रही है। और जैसे हम लोग जब सूरह रहमान की थेरेपी का बताते हैं तो मुझे तकरीबन 7-8 साल हो गए ये बताते हुए, और मेरे एक्सपीरियंस में कभी कोई एक ऐसा पेशेंट नहीं आया ठीक नहीं हुआ, ठीक है। तो एक क्या ऐसी बात है कि जब आप किसी को अल्लाह के आगे पेश कर देते हैं, हम खुद असल में मसला ये है कि हम जो हैं वो हमारी चाहतें बहुत ज़्यादा हैं, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा ना कि चाहे जाने का जोन, तो हमारी चाहत बहुत ज़्यादा है, तो सारी ज़िंदगी अपनी चाहत मनवाने के चक्कर में ना हम उसकी चाहत को भूल जाते हैं। और वो यही कह रहे हैं कि मैं तुम्हें थका दूंगा अगर तुमने मेरी ना मानी, तो वो जो है वो बहुत डाटा है, वो बहुत ही मैंने एक दफ़ा किसी को कहते हुए सुना, मैंने कहा जी मैं चाहती हूँ कि अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए, तो मैंने कहा कि आप अल्लाह से राज़ी हो जाएं, तो मैंने कहा ये क्या बात कर दी आपने, तो मैंने कहा कि हम अल्लाह से राज़ी हो जाएंगे तो हमारी कोई तमन्ना ही नहीं रहेगी, हम बिल्कुल एक परफेक्ट लाइफ में हैं, हम एक परफेक्ट घर में हैं, हमारे इर्द गिर्द बहुत ही प्यारे लोग हैं, लेकिन हम अभी तक एवेल्युएशन में हैं, मेरे माँ बाप अच्छे नहीं, मुझे टीचर अच्छा नहीं मिला, उसका टीचर बहुत अच्छा है। अगर आप अपने टीचर को प्रॉपर 100% एक्सेप्ट कर लें कि उसको आता है, हमारा मसला ये है कि जब हम इस चेयर पे बैठे होते हैं ना तो हम अपने टीचर को एवेल्युएट करते हैं और वहाँ से मार खाते हैं और कभी सीख नहीं पाते। अगर हमने सीखना है तो फिर हमें पूरे का पूरा अपने टीचर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे आपको उसकी बात समझ आती है चाहे आपको उसकी बात नहीं समझ आ रही। हो सकता है कि बहुत सारी बातें आपको बहुत सालों बाद समझ आएँ। इस वक्त जो होता है ना, इस वक्त एक लाइफ का एक वो वाला पार्ट चल रहा होता है जिसमें आपको लगता है कि बस दुनिया तो ख़त्म हमने ही करनी है, मुझे भी लगता था बस दुनिया तो बस अब मेरे एक इशारे पर होगी, अब मैं ज़रा बाहर निकलूँगा या निकलूँगी ना, तो जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में जाऊँगी तो देखिएगा जो किसी ने नहीं किया वो मैं कर दूँगा। लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो हमें पता चलता है कि यार कहानी तो कुछ और थी। हमारा प्रैक्टिकल और करेक्टर जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा हम नहीं खड़े हो सकते। हमें इर्द गिर्द वाले जो हैं वो नेगेटिविटी, जो कि हमें लगता है कि नेगेटिविटी है, अगर आपको फील होता है कि आपके इर्द गिर्द नेगेटिविटी है तो आप पॉजिटिव रोल प्ले कर लें, ठीक है, और अपनी पॉजिटिविटी से दूसरे को पॉजिटिव कर लें। अब वो कैसे किया जा सकता है? अब ये बात कहने पे बहुत आसान है, ठीक है ना। अगर जैसे अभी एक बंदी ने मुझे कहा कि सदफ मुझसे जो है ना गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, तो मैंने कहा यार गलत बात ही तो बर्दाश्त करनी होती है। असल में बात यह है कि अच्छी बात तो हर कोई बर्दाश्त कर लेता है, बल्कि उस पर वाह वाह भी कर लेते हैं। अच्छा गाना हो, अच्छा कलाम हो, तो उस पर वाह वाह तो बनती है ना कि वाह 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 वाह। लेकिन उसने किस दर्द से गाया है हमें पता ही नहीं, कौन किस दर्द में है इस हॉल में, इस यूनिवर्सिटी में, इस कॉलेज में, हमें क्या पता है कि लोगों के घरों में क्या हो रहा है, हमें इससे फिक्र ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है। हो सकता है कि उसकी माँ बीमार हो और वो सारी रात जागता हो, लेकिन हमें इससे कोई फिक्र ही नहीं है। हम कहते हैं कि यार क्या है, बस आए हैं ना यूनिवर्सिटी में, बस चिल करो, पढ़ाई करो, बस हमने तो आगे जाना है। लेकिन आगे वही इंसान जा सकता है जो करेक्टर में स्ट्रांग होगा, जो कि
एक दूसरे का ख्याल करेगा, एहसास करेगा। तो पॉजिटिविटी, करेक्टर बिल्डिंग, ह्यूमैनिटी, ये सारा कुछ जो है ना वो एहसास से है। एहसास है तो अल्लाह पास है, वरना सिर्फ बातें हैं। बातें करना बहुत आसान है, लंबी लंबी बातें, लेकिन अपने लाइफ स्टाइल को देखें कि उसमें आपने उसको कितना असेप्ट किया है, ठीक है ना। अगर मेरी सारी ख्वाहिशात पूरी हो गई हैं, अगर मैंने अल्लाह को पूरे का पूरा मान लिया है कि अल्लाह है और अल्लाह जो करता है बेहतरीन करता है, लेकिन साथ मेरी इतनी लंबी लिस्ट है कि ये भी हो जाए ना, मेरी शादी भी हो जाए, मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल जाए, गाड़ी भी हो, अब मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ बीबी, ठीक है ना, मुझे और से और की तलाश है। तो तलाश का सफ़र तो है, लेकिन कहीं हम टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे। हमें एक होमवर्क दिया गया है इस कायनात में, अब हम उस होमवर्क के चक्कर में हम होमवर्क तो नहीं भूल गए, जब दुनिया के चक्करों में पड़ के हम अपना होमवर्क भूल गए, और ये ना हो कि मैं लेने वाले आ जाए और जब हमसे पूछा जाए कि क्या लाए हो तो हमारे पास कुछ भी ना हो। तो सिर्फ बेशक आपने एक इंसान को बचा लिया तो गोया पूरी इंसानियत को बचा लिया, तो क्यों ना वो इंसान हम खुद ही बन जाए, अपने आप को ही बचा लें। अब अपने आप को बचाया कैसे जाएगा अगर आप अल्लाह के साथ, अपने क्रिएटर के साथ कनेक्टेड हैं, आपको हर वक्त 24 घंटे वो याद है, आपको याद है कि यार वो अल्लाह है, मैंने किसी का दिल नहीं तोड़ना। क्योंकि अगर आपका कभी खुद दिल टूटा होगा ना तो आपको पता होगा कि दिल नहीं तोड़ते। और कई दफ़ा होता है कि हमें पता भी नहीं होता हम लोगों का दिल तोड़ ही जा रहे होते हैं, अपने माँ बाप को बातें सुना देते हैं, अपने घर वालों को, बाहर वालों को, उस वक्त हमें पता ही नहीं होता। हम कहते हैं जी हमें पता नहीं चला, बस हमारे मुँह से निकल गया, और हम उनको बहुत सारी बातें सुना देते हैं। लेकिन जब वही बात हमें सुनने को मिलती है कारमा, ठीक है ना, जब हमें मिलने को सुनने को मिलती है, हम कहते हैं कि हमारा बहुत दिल दुखा है, क्यों हमारे साथ ऐसे क्यों हुआ है। ये जो क्यों है ना, असल में वो किसी बगैर किसी वजह के नहीं होता। अभी यहाँ बात हो रही थी कि वो कह रहे थे कि ब्रेन का कोई पार्ट यूज़ करना है और सारा कुछ, ये बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि दिल की पहली आवाज़ को सुने। हम अपने दिल की आवाज़ को नहीं सुनते, जो दिल की पहली होती है वो सिग्नल उसकी तरफ से होता है, लेकिन हमें पता ही नहीं है। जैसे मुझे किसी ने जब सबसे पहले ये बात कही ना, तो मैंने आगे से कहा कि जी बात ठीक कर रही हैं आप, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दें, मुझे तो इतनी थॉट्स आ जाती हैं, मतलब एक बात के बाद इतनी ज़्यादा बातें आ जाती हैं कि पता ही नहीं चलता कि कौन सा अल्लाह का सिग्नल है, कौन सा नफ्स का सिग्नल है। उन्होंने मुझे सिर्फ एक बात कही, उन्होंने कहा कि इस एज में आकर भी अगर आपको अल्लाह की आवाज़, नफ्स की आवाज़, शैतान की आवाज़ में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती आप, तो आपने क्या किया। दिल की पहली जो आवाज़ होती है वो उसकी तरफ से होती है, कर जाया करें। उसके बाद की जितनी भी बातें होती हैं वो हमारी अकल की होती हैं, हमारे एनालिसिस होते हैं, अगर ये कर दिया तो ये हो जाएगा, और नहीं 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 नहीं, अगर मैंने उस बंदी की मदद कर दी, ठीक है ना, तो फिर मैं घर लेट जाऊँगी या जाऊँगा तो फिर जो है वो मेरे माँ बाप तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। अब वह कहाँ गई ह्यूमैनिटी। जब आप उसके रास्ते पर चलते हैं तो फिर आपको लोग भी मिलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन क्या हम लोग वाकई अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे सिर्फ और सिर्फ अपना गिरेबान पकड़ना है, दूसरे का नहीं पकड़ना होता। दूसरा ये कर रहा है, क्योंकि बच्चों की आदत होती दूसरा ये कर रहा है, दूसरा वो कर रहा है, टीचर को जाके बता दिया, शिकायतें लग गई, सारा कुछ हो गया, पर नेट प्रॉफिट क्या मिला, गालियाँ। मतलब कि आप लोगों ने क्यों बताई हमारी शिकायत लगाई, लेकिन यही शिकायत अगर आपकी कोई लगाएगा बहुत बुरा लगेगा कि हमारी बात क्यों बताई है। असल में सारी बात जो है वो प्रैक्टिकल की है और फॉरगिवनेस की है, माफ़ करना ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे प्योरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब आप नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, तो उसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, प्रिकॉशंस हैं, कि लिबास साफ हो, वजू प्रॉपर किया हो, सारा कुछ। तो क्या इनर का प्योर होना ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़रूरी है। अगर हमने इम्प्योरिटी अपने अंदर रखी हुई है, मैं अल्लाह को पुकार रही हूँ, बल्कि साथ हमारे डाउट्स भी होते हैं। क्योंकि पिछले दिनों मैं किसी एक बंदी को थेरेपी करवा रही थी, तो उसने मुझे कहा कि ना, मैंने कहा अल्लाह है, हाँ जी बेशक अल्लाह है, अच्छा चलो अच्छी बात है, सुनिए कह दिया बेशक अल्लाह है, अच्छा लेकिन यहाँ मैं ठीक हो जाऊँगी। तो मैंने कहा कि अगर अल्लाह है तो टेंशन की बात नहीं है, अगर अल्लाह नहीं है तो टेंशन की बात है। तो तुम अपनी ज़िंदगी में ये फैसला कर लो कि अल्लाह है या अल्लाह नहीं है,
क्योंकि बीच वाला इंसान हमेशा मरता है। अभी हम लोग पहले जो रूम में बैठे हुए थे तो उसमें यही बात कर रहे थे कि जो चाइना वाले हैं या वो लोग जो एथिस्ट हैं वो कहते हैं कि अल्लाह नहीं है, तो वो भी बहुत प्यारे हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह नहीं है, वो एक स्ट्रीम पे हैं और वो कहते हैं कि बस अल्लाह नहीं है, मैं खुद ही कर लूँगा। लेकिन एक बंदा है जो कह रहा है अल्लाह है, लेकिन साथ वो डाउट्स में है और पता नहीं अल्लाह मियाँ करेंगे या नहीं करेंगे, बल्कि हम दुआ करके भी यही कहते हैं पता नहीं कबूल होगी या नहीं होगी। तो मुझे पता नहीं है ना, तो जैसा आप उसका गुमान करेंगे वो आपको वैसा मिलेगा। अगर आपको लगता है कि मेरे सारे काम हो जाएंगे और मेरा अल्लाह है, तो सारे काम ऑटो पे होंगे। कुछ ऐसे लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं जो बड़े चिल होते हैं, जिनको ना तो कोई फिक्र होती है, पता नहीं वो किस तरह के अजीब से लोग होते हैं, लेकिन वही लोग असल में जो है वो बता रहे होते हैं पाथवे, बल्कि वो करके दिखा रहे होते हैं। बल्कि कई दफ़ा लोग उनके पास आके कहते हैं कि आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको कोई मसला नहीं है, तो वाकई वो कोई मसला उनको होता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह को पूरे का पूरा मान रहे हैं, कहते हैं कि जो मेरे अल्लाह ने किया वो बेहतरीन है। लेकिन क्या हम वाकई मानते हैं? जैसे मेरी अम्मी की डेथ हुई हो रही थी, तो ICU के बाहर में खड़ी हुई थी और डॉक्टर्स जो हैं वो शॉक्स दे रहे थे। तो मुझे वो पल भूलता नहीं है, ठीक है। और मैंने उस वक्त, मुझे किसी ने आगे कहा कि अच्छा चलो तुम इस पर दुआ करो अल्लाह से कि बच जाएं, तो मैंने कहा कि वो जो कह रहा है और जो कर रहा है वो बेहतरीन है, तो आप अभी फ़िलहाल मतलब मुझे तंग ना करें। तो असल में बात सिर्फ ये है कि वाकई जो वो कर रहा है वो बेहतरीन कर रहा है। हो सकता है कि मेरी अम्मी, क्योंकि उस वक्त मुझे लग रहा था कि शायद मैं दुआ मांगूंगी तो कबूल हो जाएगी वो हालांकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं उसको डिक्टेट करूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता, वो जो कर रहा है बेहतरीन कर रहा है। तो लेकिन अगर मैं कह देती तो मुझे लगता है कि वो कबूल होती, लेकिन मैंने नहीं कहा इस वजह से क्योंकि अगर वो दुनिया में वापस आ जाती, ठीक है ना, दुनिया में अब हो सकता है कि उनकी लाइफ और मिजरेबल हो जाती, मुझे तो नहीं पता। तो जो वो करता है वो बेहतरीन करता है। वो किसी का आना ज़िंदगी में, किसी का जाना, ये सारा कुछ उसका खेल है। हम लोग अपने दुखों को लेके बैठे रहते हैं सारी ज़िंदगी, मुझे मेरी मामा ने कह दिया, पापा ने कह दिया, फलाने ने कर दिया, मुझे कोई प्यार नहीं करता। पहली बात तो ये कि हम अपने आप को प्यार नहीं करते। इम्पोर्टेंस देते होते तो हमें अपना पता होता कि हमारा हाथ जो है वो देने वालों में से है, लेने वालों में से नहीं है। लेकिन हमें पता ही नहीं है अपना, हम लेने वाले के चक्करों में पड़े हुए हैं जी, मुझे प्यार मिले प्यार मिले, लेकिन वो प्यार कैसे मिले? आपकी ड्यूटी कुछ और, आपकी ड्यूटी बांटने वालों में से है, लेने वालों में से तो है ही नहीं। तो अपने रोल को पहचाने, आपका जो रोल है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अगर एक हीरो को पता ही नहीं चला कि वो हीरो है और वो साइड रोल कर ही जा रहा है, तो फिर उसको क्या कह सकते हैं? या फिर अगर फर्ज कर लें मेरी ड्यूटी जो है वो एक क्लर्क की है या फिर एक सिक्योरिटी गार्ड की है, अब मैं सारी ज़िंदगी यही रोती रहूँ कि मुझे सिक्योरिटी गार्ड क्यों बनाया, मुझे वो वाली ड्यूटी क्यों नहीं दी हुई जो कुर्सी के ऊपर बैठ कर सारा दिन कुछ भी नहीं करते वो लोग तो। लेकिन जब आप जैसे आप उनके पास जाएँ या उनकी ड्यूटी आपको एक दिन संभालनी पड़े, हमारी चीखें निकल जाएँ। तो जो जो जहाँ जहाँ पे है वो बेहतरीन है, और उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लें और लोगों को माफ़ करें, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम माफ़ ही नहीं करते। दुरूद पढ़ते हैं, हम हर वक्त दुरूद पढ़ रहे होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन दुरूद प्रैक्टिकल का भी नाम है। पहले तो हम यूँ पढ़ते हैं ना, फिर उसके बाद यूँ करते हैं। सरकार का प्रैक्टिकल कि आपको देख के सरकार याद आ जाए कि यार इनका जो ये सरकार का स्टूडेंट जा रहा है, जैसे यहाँ पे भी कोई स्टूडेंट जा रहा हो जो कि